शिवराज राज में बच्चे हो रहे हैं जमीन पर बैठने को मजबूर और सरकार केवल आश्वासन दे रही है। यूं तो शिवराज मामा बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन पूरा करने की केवल उम्मीद देते हैं। मामला डिंडोरी जिले के ग्राम मसूर घुघरी का है, जहां मिडिल स्कूल को खुले हुए लगभग 22 साल हो चुके हैं लेकिन स्कूल भवन का अब तक निर्माण तक नहीं हुआ है। नतीजा ये है कि स्कूल आने वाले 55 छात्रों को सरकारी राशन दुकान के भवन में जमीन पर बैठकर शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही शिक्षक मौजूद है। बताया जा रहा है कि कई बार शासन प्रशासन से भवन निर्माण और स्टाफ बढ़ाने के लिए मांग पत्र भी भेजा गया लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ हाथ नहीं लगा है। हालांकि कलेक्टर ने 6 महीने के अंदर स्कूल का निर्माण करने के आदेश जारी किए हैं। सर, हमारा स्कूल जो है 2014 से पहले ये सोसाइटी भवन में लग रहा है, क्योंकि सोसाइटी भवन और प्रधान पाठक कक्ष में, मतलब जो राशन को वहाँ राशन की दुकान संचालित वहाँ है, और भवन के अभाव में जो है लैम्स में कक्षा 6वीं से 8वीं तक का स्कूल संचालित है। अभी तक मतलब जानकारी थी, अभी तक किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं हुआ, जानकारी भेजा दिया गया है। इसके लिए प्रस्ताव भी दो दो बार पहुंचा दिया गया है लेकिन शासन की ओर से किसी प्रकार की अभी इस विषय पर संज्ञान में नहीं लाया गया। सोसाइटी भवन, हमारे शिवराज सिंह मामा से हम चाहते हैं कि हमारे लिए एक नया स्कूल बना दें। IAS ऑफिसर कक्षा 6वीं। ये विषय जानकारी में आया है तो अभी हम लोग जो इस साल का प्रस्ताव भेजेंगे उसमें भी हम लोग इसको जोड़ेंगे और साथ में ये भी दिखवाएंगे कि पुराना स्कूल कब से जो है वो इस तरह से क्षतिग्रस्त रहा है। क्योंकि अपना ये एक कमिटमेंट है गवर्नमेंट का कि हम सभी जो हमारे बच्चों के लिए स्कूल है वो अच्छा स्कूल दे पाएँ, और अभी उस बिल्डिंग जहाँ पर लग रहा है वहाँ पर अभी कोई और पीडीएस का काम तो नहीं चल रहा, लेकिन विद्यालय अलग से पृथक होना चाहिए, उसका प्रस्ताव भेजेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।